हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज मैं कोई सिटी एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, आज बस मैं जा रहा हूँ एक साइकिल ट्रैक पे जो कि अराउंड 21 किलोमीटर या 20 किलोमीटर है। और अभी मैं जस्ट ट्राम स्टेशन M5 पे उतरा हूँ। ये कहरेंजी स्ट्रासे ट्राम स्टेशन है जहाँ पे आपको M5 M17 दोनों ट्रेनें आती हैं, ठीक है। और यहाँ से मुझे जाना है अराउंड 21 किलोमीटर के ट्रैक पे, बाइसिकल ट्रैक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूरोप में बाइकिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, बर्लिन के आउटस्कर्ट्स कितने ब्यूटीफुल हैं। तो यही है आज का वीडियो। और यहाँ के बाद मैं जाऊँगा सबसे पहले गहरेंजी पार्क, और उसके बाद फिर आर्न्सफेल्ड, फिर वहाँ से मैगडी वाला रास्ता पकड़ के मैं जाऊँगा मलचाओसी। और मलचाओसी आपका वॉल्टनबर्गर एसबान स्टेशन के पास पड़ता है, वहाँ से आप एसबान लेके सीधे ऑस्क्रॉइस जा सकते हैं, और वहाँ से आपको पूरे बर्लिन की कनेक्टिविटी ट्रेन मिल जाएगी। तो लेट्स गो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे को पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन अगर आप बर्लिन में साइकिल चला रहे हैं तो आपको ऐसे डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स मिल जाएंगे। और जिस ट्रैक पे आज हम जा रहे हैं वो काफ़ी मस्त है, मतलब आपको रास्ते पर सीनरी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता रहेगा। मैं अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं गहरेंजी स्ट्रासे M5 स्टेशन से निकल चुका हूं और आगे बढ़ रहा हूं 20 किलोमीटर ट्रैक की तरफ। तो बस आप एंजॉय कीजिए। ये पूरा रास्ता है, इनिशियली आपको ऐसा साइकिल ट्रैक मिलेगा, लेकिन आगे आपको पूरे फील्ड्स, विंडमिल, फार्म कैटल्स, हॉर्सेस, ये सब दिख सकते हैं। और मैं इस ट्रैक पे सेकंड टाइम जा रहा हूँ, तो पहला जो जगह है वो है गहरेंजी लेक करके कुछ है, तो देखते हैं, चलते हैं। और बर्लिन में अगर आप राइड कर रहे हैं या फिर पूरे जर्मनी यूरोप में कभी भी बाइक राइड कर रहे हैं तो आपको राइट साइड पे ही राइड करना है। ये जो लेन है ये डबल लेन है, आई मीन साइकिल वालों के लिए, तो आने का एक साइड है, जाने का दूसरी साइड है। ऐसा ही पूरा रास्ता है। आज काफ़ी सनी डे है तो बहुत सारे लोग बाइकिंग करने के लिए निकले हुए हैं। कार अगर आ रही है, आपको देख रही है, आप क्रॉस कर रहे हो, तो कार बार रुक जाएंगी यहाँ पे। और आपको भी ट्रैफिक लाइट्स और सब चीज़ों को फॉलो करके ही चलना है, ऐसा नहीं कि आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर सकते हो। आपके लिए भी वही लाइट है जो कार्स के लिए और सबके लिए है, और इवन कई बार साइकिल ट्रैक्स पे भी साइकिल वालों के लिए लाइट लगी होती है, तो ट्रैफिक लाइट्स आपको हर जगह फॉलो करनी है।
छोटे बच्चे भी बाइकिंग कर रहे हैं जर्मनी में। आज का टेम्परेचर 24 डिग्री है, इसीलिए शायद सभी लोग बाहर निकले हुए हैं। और काफ़ी दिन के बाद बर्लिन में ऐसा वेदर आया। तो ये हमारा साइकिल वे ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न आर्म्स फील्ड जाने के लिए। पर आपको हमेशा ऐसे साइकिल ट्रैक मिल जाएंगे बर्लिन के आसपास। तो जिस तरह मैं चल रहा हूँ, एक साइड तो है पेडेस्ट्रियन लोगों के लिए जो पैदल चलते हैं, और दूसरे साइड बाइकर्स जो बाइक चलाएंगे इस पर। मुझे यहाँ से क्रॉस करना है, अभी ग्रीन लाइट है आगे जाने के लिए। और आगे से मैं राइट में, सॉरी लेफ्ट में मुड़ जाऊँगा नेटो की साइड। तो अब मैं यहाँ वेट करूँगा तब ये सिंबल ग्रीन होता है और तब मैं इस रोड को क्रॉस करता हूँ। हो गया ग्रीन, मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे भी डबल लेन है साइकिल वालों के लिए, तो मेरे को राइट साइड में चलाना है। और आफ्टर 5 किलोमीटर्स आई थिंक रास्ता यहीं से कहीं से अंदर जाना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ये रहा। तो हम पहुँचने वाले हैं गहरनजी, जो कि काइंड ऑफ लैक है इस जंगल में। और लेट्स सी और क्या क्या दिखता है अपने को। पर बर्लिन में अगर आप फ्री हैं सैटरडे संडे, बाइकिंग बहुत मस्त टाइम पास है। मैं हमेशा अपनी बाइक उठा के निकल जाता हूँ इधर उधर घूमने। काफ़ी तेज़ स्पीड में मैं जा रहा हूँ क्योंकि स्लोप है, और वापस मुझे यहीं पे चढ़ना भी होगा। आई थिंक मैं ये वाला रास्ता भी ले सकता हूँ, बट लेट्स सी। के फील्ड्स हैं, वैसे तो पूरा घास फूस ही उगा हुआ है, कुछ है नहीं। पर या देखते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
आई थिंक यहाँ से रास्ता बंद है, मुझे वापस यू टर्न ही लेना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से आगे जा पाऊँगा। फ्रेंड्स अभी आर्न्सफील्ड आ चुका है, ये ब्रैंडनबर्ग में बर्लिन के बाहर आ चुके हैं और पूरा आउटस्कर्ट्स है बर्लिन का। ये गेहूं की फसल पक चुकी है, कटने को तैयार खड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी फसल है गेहूं की। और ये पूरे फील्ड्स हैं, इनको आर्म्स फील्ड बोलते हैं। और आपको पूरे रास्ता ऐसा साइकिल ट्रैक मिला रहेगा तो आपको रोड पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं कार वार उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फ्रेंड्स मुझे कुछ हिरन दिखे हैं यहाँ पे, पता नहीं शायद बारहसिंगा है या नहीं है, देख पा रहे हो या नहीं पास करता हूँ थोड़ा। ये रोड साइड पूरी फेंसिंग हो रखी है और उधर सारे फील्ड्स हैं और ये हिरन यहाँ बैठे हुए हैं छाया में, क्योंकि आज संडे है इसलिए चार हिरन संडे एंजॉय करते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और लगता है कि अभी आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है, 10 किलोमीटर मोर टू गो। फ्रेंड्स अभी आंस फेल्ड स्ट्रा से ख़त्म हो चुका है और मुझे यहाँ से लेना है कार्लसमार्क स्ट्रा से, और करंटली अभी हमें लिंडनबर्ग में यहाँ का फील्ड में तो मुझे रोड क्रॉस करके कार्लसमार्क स्ट्रा से पकड़ के मैकडी की साइड जाना है। मुझे यहाँ से बस ये कार्लसमार्क स्ट्रा से पकड़ के स्ट्रेट स्ट्रेट चलते जाना है। और ये पूरा है लिंडनबर्ग जो कि ब्रैंडनबर्ग में पड़ता है और वहाँ का एक एरिया बोल सकते हैं इसको। काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं, और बर्लिन से ज़्यादा दूर नहीं है, जो गैरेंजी स्ट्रा से ट्राम स्टेशन था वहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर के बाद ये इतना सुंदर एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं मैकडी वाली साइड,
जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है आर्न्सफील्ड के बाद। अगर साइकिल पाथ नहीं बने हुए तो आप मेन रोड पे चला सकते हैं, वो भी राइट साइड में और बिल्कुल कॉर्नर पे। वो लड़की मेरे लिए रुकी हुई थी क्योंकि साइकिल वाले होते हैं उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पे, उनके लिए कार वाले भी रुक जाते हैं। ये लिंडनबर्ग का कार्लसमार्क स्ट्रासे है, बर्लिन का नहीं। और ये हम पहुंच गए हैं मैकडी। आई थिंक मैं रॉन्ग वे पे आ गया हूँ। ये रोड क्रॉस करके उधर जाना है। मैं इधर से आया था कार्लसमार्क स्ट्रासे से, मैकडी था। अब मुझे यहाँ से टर्न लेके वापस जाना है, ग्रीन लाइट हो चुकी है, मैं निकलता हूँ। दोबारा मुझे साइकिल वाला रास्ता मिल गया है, अब ये पकड़ के सीधे मैं पहुंचूंगा। आई डोंट नो मेल गेहूं की फसल चारों तरफ उगी हुई है और पूरा फील्ड एकदम सिमेट्री में है, कहीं कोई ऊंचा बड़ा। ये रहा मेरा रोड, लिंडनबर्ग ख़त्म होता है और मैं एंटर करने वाला हूँ बर्लिन में दोबारा से।
जहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है तो मैं आसानी से क्रॉस कर सकता हूँ सीधा। और आपको ऐसे सिंबल हर जगह मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखा होता है कि साइकिल पाथ है और पैदल चलने वालों का पाथ है। तो बर्लिन और ब्रांडेनबर्ग दो स्टेट हैं जर्मनी के। मैं बर्लिन में रहता हूँ और काइंड ऑफ बर्लिन और ब्रांडेनबर्ग के बॉर्डर पर रहता हूँ। तो मैं वहाँ से 10 किलोमीटर बाइक पर चला था, ब्रांडेनबर्ग पहुँचा, अब वापस रिटर्न जर्नी में मैं बर्लिन में एंटर हो चुका हूँ। और ये पूरा का पूरा आउटस्कर्ट्स है बर्लिन का। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट चलते हैं। ये जो रास्ता है ये सीधा वाइसेंसी और फ्रेंसलॉफ पर जाता है। हाँ, अब यहाँ से मुझे मल्चाउस सी जाने का रास्ता ढूंढना है जो कि मेरा आखिरी स्टॉप है। मल्चाउस सी भी एक लेक है और आसपास उसके पार्क है, घूमने फिरने की जगह है। तो देखते हैं, रास्ता यहीं कहीं से होना चाहिए। मल्चाउ तो आ गया है, अब मुझे मल्चाउ से ही जाने का रास्ता ढूंढना है। रेड लाइट, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओके, ग्रीन हो गई। यह है पूरी लेक मल्चाउसी की। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मल्चाउसी पार्क में, जो कि आपके एसबान वाटनबर्गर के पास में। यहां से आप एसबान लेके सीधे ऑस्क्रॉइस या सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं, और इवन यहाँ से M5 स्टेशन फाल्कनबर्ग भी पास में ही है। तो यह पार्क फाल्कनबर्ग और वॉटनबर्ग के बीच में पड़ता है, मल्चाउ बैग कहते हैं इसे। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेक है, आसपास बहुत सारे बच्चों के खेलने के सामान भी हैं, आपके जिम के इक्विपमेंट है और सिटिंग अरेंजमेंट है, और बहुत सारी पब्लिक समर टाइम पर यहाँ पर आती है, अपना इन्जॉय करती है, पूरा डे टाइम स्पेंड करती है। और यहीं पर आज मेरी बाइक की जर्नी ख़त्म होती है। तो फिर फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नई जगह, नई लोकेशन, मे बी नया ट्रैक, नया शहर, नए देश में। जब तक के लिए बाय।